यहाँ पे पहलगाम में सिविल सोसाइटी पहलगाम के बैनर तले जो जो भी यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर है यहाँ पहलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो होटल एसोसिएशन वाले, टैक्सी टूर ऑपरेटर्स है, ट्रैवल एसोसिएशन वाले हैं, व्यापार मंडल या जितने भी तबके फिक्र से लोग हैं, और ख़ासकर जो यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है पहलगाम म्यूनसिपल कमेटी की, सब लोगों ने एक आवाज़ में एक साथ यहाँ पर आके आज बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की। जो यहाँ पे मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में जो मेन एजेंडा था वो यहाँ पहलगाम की डेवलपमेंट थी, ओवरऑल डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से कुछ इकदाम किए जा रहे हैं जिससे आम लोगों को खदशा और मुश्किलात दरपेश हो रहे हैं कि उस पर भी बात की गई, जिनमें खासकर जो लीज़ होल्डर है यहाँ के पहलगाम के, जिन्हें जो सैकड़ों सालों से यहाँ पे मुकीम है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है, तो उनका जो लीज़ रिन्यूअल नहीं हुआ था, एक्सपायर हुआ था, वो इनकी भी गलती नहीं थी, सरकार को भी उसमें सोचना चाहिए था, उनका मसला था यहाँ। उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट पे कुछ गरीब लोग है जो फॉरेस्ट एरियाज़ में आते हैं, बाउंड्रीज़ के अंदर आते हैं, उनकी भी बात हुई थी, और भी कुछ इश्यूज़ थे। चूँकि हम कहते हैं कि जो मरकज़ी सरकार जब से यहाँ पे जो मरकज़ी लाज एप्लीकेबल हुए हैं, जब से वो लग रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें अगर हम फॉरेस्ट रिहैबिलिटेशन एक्ट की बात करते हैं, वो यहाँ के लोगों को उससे फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जो ट्राइबल लोग होते हैं, बाकी लोग होते हैं, जिस तरह से हम उत्तराखंड की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं और स्टेट्स की बात करते हैं, वहाँ पे भी लोगों को ये प्रावधान है कि वो उनको उसका फ़ायदा मिलता है। उसी तरह से जो हम लीज़ की बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में और जगहों पर उस चीज़ को भी कंसिडर किया है सरकार ने, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी कंसिडर किया जाए। उसके साथ साथ अगर किसी ने गलत किया, हम उसके हक़ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन केस है, जो जायज़ केस है, सरकार को उस चीज़ पर सोच के देख के उस पर नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि आवाम को जो खदशात है वो दूर हो और आवाम को फ़ायदा हासिल हो। थैंक यू।